अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौसम बहुत बहुत हसीन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अब हाथ में बना रहे हैं कलेजी। आज हम बना रहे हैं कलेजी। मैंने इसमें लहसुन जो है वो कूट के डाल दिया था और अब मैं इसे धोने लगी हूँ। अच्छे से धो लेंगे हम। इसके जो छिलके हैं लहसुन के वो हम निकाल देंगे इसमें और अच्छे से धो स्टार्ट करते हैं। मैं कुकर में बना रही हूँ। मैं डाल रही हूँ इसमें रिसिनल ऑयल, क्योंकि टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है ये, और बायो बायो है। और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल, आप देख सकते हैं ये सनफ्लावर ऑयल है। अभी तेल गर्म हो रहा है, अभी इसमें हम चीज़ें डालेंगे। इसमें हमने मसाले लिए हैं, कुटी मिर्च, सफ़ेद जीरा, गरम मसाला, नहीं गरम मसाला नहीं, ये हमने लिया है कुटी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। और ये लिया है हमने कसूरी मेथी, इलायची, लौंग और गरम मसाला। अदरक लहसुन का हम पेस्ट बनाने वाले हैं। इसमें अदरक लहसुन और अदरक चली गई, लहसुन अदरक प्याज चली गई है। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये तीन हरी मिर्चें हैं, यहाँ तेज़ नहीं होती इतनी, तो हम ये डाल सकते हैं। ज़्यादा तेज़ है तो कम डाल दीजिए, हमारी तो ज़्यादा नहीं है तेज़, तो इसलिए हमने तीन डाल दिए। अब हम इसे पीसने वाले हैं। ऑयल हो गया है गर्म, अब हम इसमें लौंग और सफ़ेद इलायची डाल दिए। थोड़ी सी लाल हो जाए, खुशबू आने लगे, तो फिर हम मसाला डालेंगे। यह हमने हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और अदरक पीस के पेस्ट बना लिया है। अब ये देखें लाल होने लगी है। अब हम डालने लगे हैं लहसुन। अब हम इसे 2 मिनट पकाएंगे, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। अब ये कलेजी से पानी जो है सूख गया है, निकल गया है, अच्छे से खुश्क हो गई है। अब ये मसाला हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसमें डाल के भूनेंगे। इससे पहले मैंने एक कलेजी बनाई थी पिछले साल, तो वो मैंने मेथी में डाली थी। अब की इसे मैं हरी जैसे थाई लोग बनाते हैं ना, हरी मिर्चें पीसते हैं पहले और फिर मसाले डालते हैं, उस तरह की आज बना के देख रही हूँ मैं। अब 1 से 2 मिनट ये और पक जाए तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले डालूँगी। हमारी मम्मी बनाती थी खाली काली मिर्च, थोड़ा सा मसाला और धनिया मिर्च बस, और कसूरी मेथी। और आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल थाई वाले स्टाइल में, हरी चटनी की तरह बना के और फिर मिर्ची पीस के सब साथ में ही। ये एक डिफरेंट स्टाइल है, इससे सुना है कि कलेजी नरम रहती है। देखते हैं कि आया ये बात सही है कि नहीं, और वैसे होगी बहुत मज़े की। ये एक मैं न्यू स्टाइल से पहली बार बना रही हूँ। तो हमारे मसाले हैं रेडी, जैसे ही ये थोड़ी भुनता है तो फिर मैं ये सब डालूँगी इसमें। इंशाल्लाह ये भुनने पर आ रहा है, तो अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे, ये सब चीज़ें। माशाल्लाह देखें कैसा भुना भुना हो रहा है। अब थोड़ी देर अभी कसा रहे इसमें, और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मलाई। ये मेरे पास चीज़ क्रीम है, मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। 1 टी स्पून डाल दूँ ये ना होगा, चाहे तो आप दही भी डाल दें, लेकिन मैं क्रीम डालूँगी क्योंकि दही जो है ना कानों में जाके ना ख़त्म हो जाता है और बैक्टीरिया बढ़ते हैं, तो मैं दही नहीं डालती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर। लेकिन कभी कभी टेस्ट के लिए मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये क्रीम चीज़ है तो मैं ये डाल दूँगी इसमें। ये बहुत ही मज़ेदार होती है, खाने में डालें बड़े मज़े की लगती है। हम इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ी मिक्स हो जाती है, जो कि ये भी क्रीम की तरह ही है। अच्छा, ये सारी वो जो वेजिटेरियन लोग खाते हैं ना, वो वाली चीज़ें हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा खटास या बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं होती है। आप यहाँ के ये चाहिए, ओहो अब मसाला भुनने वाला है,
अब एंड में डालेंगे हम नमक, क्योंकि नमक हमने डाला नहीं था। अगर हम पहले से डाल लेंगे तो फिर कलेजी सख्त हो जाती है। तो अब हम डालने लगे हैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून। फिर अगर आपको लगे कि कम है, ज़्यादा है, तो अपने हिसाब से डाल लें, ठीक है। मेरी ये 1 किलो कलेजी है तो मैं ज़रा ज़्यादा डालूँगी। अच्छा, जो अब हमारे पास बचा है ये गरम मसाला और ये कसूरी मेथी, फिर अब इसमें हम डालेंगे। अल्लाह, देखिए कितना अच्छा रंग आया, खूब अच्छे से भुन भी गई है और हमने नमक भी डाल दिया इसमें। अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी और ये डाल देंगे इसमें गरम मसाला, इसे मिक्स करेंगे और 2 मिनट दम देंगे। उसके बाद ये ऑल डन, 2 मिनट मोर, देखें कितना अच्छा है। इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। अब ये जो मिर्चे हैं इसे मैंने लंबे लंबे काट लिया, ये इसमें डल चली जाएंगी। बस 1 मिनट और पकेगी, उसके बाद रेडी। और देखो ऑयल सब ऊपर आ चुका है। रहमतुल्लाह बरकातहू, गोश्त आया है, उसका साफ़ करना, पुड़ियों में बनाना, पहले मैं धो लेती हूँ और फिर उसको छन्नी में रख के छान लेती हूँ, और फिर उसके बाद जब पानी निकल जाता है तो फिर मैं इसकी पैकेट बना के फ्रीज़र कर देती हूँ। कीमे के अलहदा तो गोश्त के अलहदा, तो इतना गोश्त टेबल पर भी पड़ा है, ये भी सब संभालना है। आज बहुत काम है।